पुलवामा हमले की पहली बरसी देश पर देश के लोगों ने शहीदों को किया याद। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, लिखा भारत इस शहादत को कभी नहीं भूलेगा। पुलवामा हमले की पहली बरसी पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी शहीदों को किया याद, इसके साथ ही ट्वीट कर पुलवामा हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर के साथ बैठक की। इस मौके पर सीएम नई योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा करते नजर आए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, बार बार दलितों के अधिकारों पर हमले होते हैं, मोदी सरकार ने अधिकारों को छीनने का काम किया है। मोदी मनोहर सरकार ने एससी एसटी सप्लिन को खत्म किया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोला गया, कहा गया कि सरकार ने हरियाणा को कर्ज में डुबोया, दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो का एक भी काम पूरा नहीं किया। फरीदाबाद में मंत्री मूलचंद शर्मा ने यमुना नदी में चल रहे अवैध खनन को लेकर छापेमारी की और अधिकारियों के साथ मूलचंद शर्मा खनन साइट पर पहुंचे। पूरे मामले की गृह मंत्री अनिल विज से जो है शिकायत की जाएगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में को जल मंत्रालय की ओर से आमंत्रित किया गया एक सेमिनार के लिए, और सेमिनार में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रतलाल कटारिया और राज्य मंत्री संदीप सिंह। रतलाल कटारिया ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में जनता दरबार लगाया। बिजली बोर्ड के एससी और खाद्य आपूर्ति नियंत्रक दरबार से रही नदारद, परिवहन मंत्री ने कहा होगी कार्रवाई। हरियाणा रोडवेज के सिरसा मुख्यालय में तीन कंडक्टरों को किया गया सस्पेंड। कंडक्टर व्हाट्सएप से एक दूसरे को फ्लाइंग आने की सूचना देते थे। ग्रुप में जुड़े थे करीबन 119 कंडक्टर। अंबाला के घेल गांव में बन रहा रेलवे अंडर ब्रिज सरकार की अनदेखी का हो रहा शिकार। ब्रिज का काम 4 साल पहले शुरू किया गया था, पूरा न होने से लोगों में परेशानी का माहौल। करनाल में छात्र रोडवेज बसों की कमी से जूझ रहे हैं, छात्रों को बस से बाहर लटक कर सफर करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सिरसा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। चाइना से आए एक व्यक्ति को संदिग्ध पाया गया, जिसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। चरखी दादरी के रुद्रोल गांव में विकास कार्यों में हुए लाखों के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। शिकायतकर्ताओं ने हरियाणा के सीएम और गृह मंत्री को पत्र लिखा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सस्पेंड करने की मांग की गई। रेवाड़ी में एक बाबा पर मंदिर में आई एक महिला से छेड़छाड़ करने का लगा आरोप, महिला ने परिजनों को दी शिकायत, फिलहाल पुलिस जांच में जुटी। वैलेंटाइन डे के दिन करनाल में पुलिस जो है एक्टिव नजर आई, किसी तरह के मंचलों पर किसी तरह की शरारतें ना हो इसके चलते पुलिस की तरफ से जगह जगह नाकेबंदी की गई, और ताकि लड़कियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, कोई छेड़खानी ना हो, इसके लिए ये व्यवस्था की गई। जींद में पुलिस बुलेट की मॉडिफाई करवा कर पटाखे बजाने वालों पर सख्ती से पेश आ रही है, जिसे लेकर जिले में पुलिस ने चालकों के 10,000 और 16,000 के चालान काटे। नूह के पिनगवा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर हुए झगड़े में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पानीपत में बेखौफ लुटेरों ने पैसों से भरा एटीएम लूटने की नाकाम कोशिश की, जिसके बाद लोगों ने लुटेरे पर हमला किया, बदमाश फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी में पूरे तस्वीरें कैद हैं। रोहतक के महम गवर्नमेंट कॉलेज में सामने मिट्टी में मजदूर दबा गया और मिट्टी में दबे मजदूर को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया, लेकिन मिट्टी में दबने के चलते मजदूर की मौत हो गई। पैरोल पर भोंसी जेल से बाहर आए कैदी की गोली मारकर आत्महत्या कर लिया, यानी कि खुद को गोली मारकर खुदकुशी की गई, और युवक हत्या के दोष में उम्र कैद की सजा काट रहा था। फिलहाल सोनीपत पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रेवाड़ी में बैंक से लिया लोन न चुका पाने वाली गांव राजगढ़ की महिला को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार किया,
और पीछे से उसकी पति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर। फतेहाबाद के हुड्डा सेक्टर की कोठी में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग, मकान मालिक आग में झुलसा, घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार है इसलिए कंजूसी से कर्ज ले रही है, अगर कांग्रेस की होती तो इस समय कर्ज 60,000 करोड़ से ऊपर हो जाता। शिमला में जल शक्ति विभाग ने जल जीवन मिशन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का शुभारंभ जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने किया। चंबा गुरुकुल के आर्ट ऑफ लिविंग के छात्रों ने ज्वालाजी शक्तिपीठ में चारों वेदों की दो दिवसीय संस्कार शाला आयोजित की। गुरुकुल चंबा प्रभारी अरुण शर्मा ने शुभारंभ किया। गुरु पूजा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई।